वर्ष 2019-20 के लिए बलारपुर नगर परिषद ने 487,11,46,237 रुपए का बजट नगर परिषद की आम सभा में पेश किया। यह सभा गणपति घाट पर 34 नगर सेवकों की उपस्थिति में सार्वजनिक रूप से ली गई। सभा की शुरुआत में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद नगर परिषद द्वारा विकसित किए गए निसर्ग स्थल गणपति घाट में बजट पेश किया गया। इसमें 5% दिव्यांगों, 5% पिछड़ों के लिए निधि का प्रावधान किया गया। दोनों विषयों पर 46.46 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा पर जोर दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा का प्रावधान भी किया गया है। सातवें वेतन आयोग का प्रावधान, बल्लारपुर को सुंदर बनाने की योजना, गीले कचरे से खाद के निर्माण पर नगर परिषद ने जोर दिया। शहर के संपूर्ण विकास के लिए सड़कें, गटर, चौराहों का सौंदर्यीकरण, हर वार्ड में बिजली व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए दूषित जल निकासी और मल निसारण प्रक्रिया केंद्र का निर्माण कराने के लिए नगर परिषद ने 125 करोड़ का प्रावधान नगरोत्थान योजना में शामिल किया है। मंजूर की गई 24 घंटे जलापूर्ति योजना को वर्ष 2020 तक पूर्ण करने का दावा किया गया है। जल संकट पर मात करने के लिए वर्धा नदी में विशाल कुएं का निर्माण करने की योजना बनाई गई है। गांधी और बोस स्कूल में नई इमारत का निर्माण कराया जाएगा। नगर परिषद के विद्यार्थियों को कॉन्वेंट की तरह यूनिफॉर्म और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। युवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा और ग्रंथालय हेतु 25 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर भी नगर परिषद ने ध्यान केंद्रित किया है। बजट सभा का उद्घाटन वन विकास महामंडल के अध्यक्ष चंदन सिंह चंदेल की मौजूदगी में नगराध्यक्ष हरीश शर्मा ने किया। इस समय उपाध्यक्ष मीना चौधरी, सचिन जाधव, विनोद यादव, सीओ विपिन मुद्दा तथा सभी नगर सेवक मौजूद थे। नगराध्यक्ष हरीश शर्मा ने बताया कि बल्लारपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में इस बार का बजट अन्य की तुलना में अधिक कारगर साबित होगा। की तरफ से 478 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी प्रदान की गई। स्वाभाविक रूप से संभवतः महाराष्ट्र में पहली बार किसी नगर पालिका के द्वारा बजट सभा ये सभागृह में ना करते हुए किसी सार्वजनिक स्थान पे की गई। ये इसलिए किया गया कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर में बल्लारपुर शहर के अंदर में जो विकास के विशेष कार्य शुरू है, जैसे गणपति घाट का निर्माण हो, छठ घाट का निर्माण हो, सुंदर बस स्टैंड का निर्माण हो, सुंदर पुलिस स्टेशन की इमारत का निर्माण हो, सुंदर एसडीओ ऑफिस का निर्माण हो, अत्यंत सुंदर नाट्य गृह का निर्माण हो, बल्लारशाह चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर है। ये सारी विकास योजनाओं का ध्यान महाराष्ट्र की समस्त जनता को जाना चाहिए। महाराष्ट्र की समस्त जनता का ध्यान इन विकास कार्यों की तरफ जाना चाहिए कि महाराष्ट्र के अंदर में चंद्रपुर जिले में बसा बल्लारपुर शहर ये विकास के मार्ग पर किस प्रकार आगे बढ़ रहा है। इसलिए आज की इस विशेष सभा का आयोजन हमने गणपति घाट के ऊपर में किया। नगर परिषद बल्लारपुर तरफ से 2019-20 करता अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेला। 478 करोड़ रुपयाचा हा अर्थसंकल्प, 30 लाख रुपये शिल्पी अर्थसंकल्प हा सादर करण्यात आला। या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये शासकीय योजना आहेत, प्रधानमंत्री आवास योजना, 14 वित्त आयोगानंतर घनकचरा व्यवस्थापन, स्वच्छ शहर करणे, नागरी दलित वस्ती, आदिवासींकरता, दुर्बल घटकांकरता, अपंगांकरता 5% तरतूद, या सर्वांची या अर्थसंकल्पामध्ये तरतूद करण्यात आली। बल्लारपूर शहर हे स्वच्छ शहर होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे। त्याचप्रकारे बल्लारपूर शहर स्वच्छ आणि सुंदर व्हावं या दृष्टीने जिल्ह्याचे पालकमंत्री माननीय आमदार सुधीर मुनगंटीवार आणि नगर परिषदेचे नगराध्यक्ष हरीश शर्मा हे प्रयत्न करत आहेत। निश्चितच या अर्थसंकल्पातून स्वच्छ शहर, सुंदर शहर आणि स्वस्थ शहर याची दिशा ठरणार आहे। आजच्या या नगर परिषदेतर्फे सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये विविध प्रकारच्या शासकीय योजनांबरोबरच नगर परिषदेच्या उत्पन्न वाढीवर सुद्धा भर देण्यात आला।